भाइयों बहनों 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 20,000 नौकरी नहीं दिया जा रहा, आप 2 करोड़ की बात करते हैं। गरीब परिवार लड़की को किस तरह से जलाया गया, उसको दाह संस्कार नहीं किया गया, वो आके पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। कुछ इस तरह स्वैसी को भेजा जाता है कि जाके हिंदू मुसलमान करो, मुसलमान को जगाओ, उसी तरह योगी को भेजा जाता है कि हिंदू मुसलमान जाके करो, और इनका क्या पहचान। खुद उम्मीद लगता है कि दीदी कम से कम 200 क्रॉस करेगी। करीना कपूर का बच्चा हो रहा है, दिन भर हेडलाइन में दिखाया जा रहा है कि करीना कपूर का बेबी हो गया, तैमूर का भाई आ गया। अरे भाई, युवा आपका रोजगार के लिए मांग रहा है, आपको वो नहीं दिखाना है। जाति धर्म का बात कीजिएगा तो इस 7 साल में जितना धर्म परिवर्तन हुआ है उतना धर्म परिवर्तन आज तक 70 साल में नहीं हुआ। मैं तथ्य के साथ कहता हूँ कि टोटल दलित का, आप आदिवासी को बोलिए या बाल्मीकि समाज को बोलिए, आज पूरे भारत वर्ष में टोटल दलित परिवार के 7% आज क्रिश्चियन होते जा रहे हैं, इस पे किसी को नजर नहीं पड़ रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि हिंदू खतरे में है, युवा हथियार उठा लो। अभी एक युवा है भाई, आप मेजोरिटी में हैं, आपको क्या खतरा हो सकता है? लुक वो मतलब बंगाल चुनाव है तो रविंद्रनाथ टैगोर का लुक धारण कर लीजिए, ये कोई मायने नहीं है। ये उसको बिकने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज क्या कर रहे हैं? भाजपा की पूरी कैबिनेट का दावा है कि टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, 200 सीट पार करेंगे। भाजपा पहले अपना सरकार ठीक से बचा ले, तब टीएमसी को उखाड़ने की कोशिश करें। टीएमसी वो सरकार बनी है जो उखाड़ने के लिए 20 साल लगे, पीछे जाने पड़ेगा। आज कलकत्ता पोर्ट में बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि फिराद हकीम के गेस्ट में खड़ा हो, कोई नहीं है। वो लोग खोज रहे, पैसा दे के बोरा लेके खोज रहे।